नमस्कार, मैं हूँ सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो, जिसका इलेक्शन स्पेशल चल रहा है। हमारी टीम तूफान महाकौशल के केंद्र जबलपुर से अब पहुंच गई है विंध्य के केंद्र रीवा। लेकिन टीमें तो पांच थी, बाकी चार कहाँ हैं? टीम हीरा है मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट इलाके में। टीम मोती छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का दौरा पूरा करके मध्य प्रदेश में दाखिल हो चुकी है, अमरकंटक पहुंच चुकी है। टीम चेतक है शिवपुरी के इलाके में और टीम सुल्तान है मध्य प्रदेश के ही धार जिले में। अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की अयोध्या के बारे में। चौंकिए मत, भगवान राम का यहाँ जन्म नहीं हुआ था। दरअसल यहाँ भी मंदिर और मस्जिद का विवाद है। ये जगह है धार की भोजशाला। हिंदुओं का दावा है कि यहाँ पर सरस्वती का मंदिर है। मुस्लिमों का कहना है कि यहाँ पर कमाल मौलाना मस्जिद है। इस विवाद के चलते साल 2003 में यहाँ पर दंगे भी हो चुके हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्या है सच्चाई, देखिए हमारे रिपोर्टर विनय सुल्तान की ये पेशकश। 2016 की वसंत पंचमी शुक्रवार के रोज आई थी और ये त्योहार धार में तनाव के तौर पे आया था। 2023 में यही संयोग दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बीच हमको ये समझने की ज़रूरत है वो कौन सी सियासत है जो हमें मंगलवार और शुक्रवार में बांटी दे रही है। आर पार जिला धार, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले धार से हमारा पहला परिचय कुछ इसी तरीके से हुआ। इस परिचय की वजह थी तकरीबन 800 साल पुराने एक इमारत। हिंदुओं के लिए ये इमारत सरस्वती का मंदिर है, जबकि मुसलमान इसे पुरानी इबादत गाह बताते आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस इमारत को लेकर दोनों पक्षों के दावे सुन लेते हैं। राजा भोज ने 1034 में इस मंदिर का निर्माण किया था। यह विवाद तो काफ़ी पुराना है। जब मोहम्मद खिलजी ने इसमें आक्रमण किया था तब से ये विवाद चल रहा है और तभी से मुसलमानों ने इस पर अपना अधिकार बताने का प्रयत्न किया है, लेकिन कभी भी इस पर अपना अधिकार बता नहीं पाए। तत्कालीन में 1937 में नाड़का दीवाने ने एक दिन की नमाज की परमिशन दी थी। तब यहाँ के हिंदू महासभा और आर्य समाज के लोगों ने उन्हें कभी भी यहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं दी और यह विवाद चलता रहा। 1942 में जो राजा बाल्यकाल से अनाथ थे वो युवा हुए और राज्य का भार जब उनके हाथ में आया तो उन्होंने इस विवाद को समाप्त करने के लिए उन्हें मस्जिद बना के दी, जिसे आज भी राजा की रहमत मस्जिद के नाम से जानी जाती है, जो कि बख्तावर मार्ग पर स्थित है। लेकिन उस समय की वहाँ के जो मस्जिद कमेटी के सदर हैं निसार अहमद, वो 1977-78 में कांग्रेस शासन में धार नगर पालिका के अध्यक्ष बने और उन्होंने पुनः उस विवाद को जो 42 में राजा ने समाप्त कर दिया था उस स्थान पर पुनः कब्जा करते हुए वह नमाज प्रारंभ की और हिंदू समाज इसका विरोध करता रहा। देखिए, बाबा कमाल तो एक सूफी संत रहे हैं अपने ज़माने के और दुनिया का हर समाज उनको बहुत इज्जत से और नाम से जानता है, मतलब उनकी बहुत सब इज्जत और शोहरत से वाकिफ़ है। लेकिन जो यहाँ का मुद्दा है, बाबा कमाल के नाम से उसको जो जोड़ा जाता है क्योंकि उस मस्जिद का नाम ही मौला कमाल मस्जिद है। मौलाना कलामुद्दीन चिश्ती दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 1291 में निज़ामुद्दीन औलिया के कहने पर वो धार आए थे। इस विवादित परिसर में आज भी उनकी दरगाह मौजूद है। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत होती 1902 से। उस समय काशी राम कृष्ण लेले धार के शिक्षा अधीक्षक हुआ करते थे। उन्होंने मस्जिद के फर्श पर संस्कृत के कुछ श्लोक कूदे हुए देखे। इस आधार पर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये वही भोजशाला है जो काल के गर्त में कहीं खो गई थी। विवाद का दूसरा पड़ाव आया 1935 के साल में। इस साल धार महाराजा ने विवादित इमारत के बाहर एक तख्ती टंगवाई जिस पर लिखा था भोजशाला और मस्जिद कलाम मौलाना। यह पहली बार था कि इस इमारत के लिए भोजशाला शब्द का प्रयोग किया गया। आज़ादी के बाद आर्य समाज और हिंदू महासभा ने इस मुद्दे को सियासी रंग देना शुरू किया। 1952 के साल में इन हिंदुत्ववादी संगठनों ने इमारत पर हिंदुओं के पूर्ण अधिकार का आंदोलन चलाया। लेकिन असल तनाव की शुरुआत हुई 1991 के साल में। 1991 से
फरवरी 2002 तक हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा चलाया गया भोजशाला आंदोलन लगभग शांतिपूर्ण ही रहा। 2002 में गुजरात दंगों के बाद इस विवाद ने हिंसक मोड़ लेना शुरू कर दिया। दरअसल 2003 की वसंत पंचमी और मौलाना कमाल का जन्मदिन एक ही दिन पड़ गया और यही विवाद की वजह बन गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया ने धार का दौरा किया और उनके भाषणों ने स्थितियों को और विस्फोटक बना दिया। इस विवाद को ढाई दशक से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और इतने लंबे समय बाद भी दोनों पक्ष इस मसले का जो हल बताते हैं वो डोर को और अधिक उलझाने वाला ही है। ये चुनावी मौसम है और हमारी सियासी पार्टियाँ वोट हासिल करने के लिए हर चंद हटकंडे अपना रही हैं। लल्लन टॉप आपसे यही कहना चाहता है कि जब आप वोट डालने जाएँ तो वोट डालने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। धर्म और जाति और नफरत की किसी तरीके के उकसावे में आने के बजाय मुद्दों पर वोट डालिएगा ताकि आप जो सरकार चुने वो आपके लिए काम कर सके। हमारी चुनावी यात्रा का मकसद सिर्फ ईवीएम का तापमान मापना नहीं है, हमारी कोशिश ये जानना भी है कि इस ईवीएम में चुनावी जीत हासिल करने के बाद जो जनप्रतिनिधि सत्ता के केंद्रों में पहुंचते हैं वो अपने जन के लिए क्या करते हैं। टीम चेतक पहुंची भिंड इलाके में, गांव का नाम दन्नूपुरा। यहाँ की सबसे बड़ी मुश्किल पानी, हैंडपंप में खारा पानी आता है, मजबूरी में लोगों को चंबल नदी से पानी भरकर लाना पड़ता है, लेकिन चंबल में तो घड़ियाल हैं। फिर क्या होता है, सुनिए इस महिला की जबानी जिनसे बात की हमारे रिपोर्टर ऋषभ ने। पानी यहीं से लेके आती हो? यहीं से। अच्छा, उसमें हैंडपंप वाले पानी में कपड़े नहीं धुलते क्या? क्यों? खारी पानी। अच्छा। साबुन फट जाता। अच्छा, तो इधर तो मगरमच्छ है। और का? तो फिर डर नहीं लगता? डर लगा था, पिए का कहा पिए, पानी तो पिए नहीं पा रहा, डर लगा तो खाए ले मगर खाए, मगरमच्छ से नहीं लगता डर भाई, खाए तो खा जा, पानी लेके जाना, पानी तो लेके जाना ही। तो इतनी दूर तक आप ये सारे बर्तन लेके जाओगी? लेके जा नहीं पा रहे वो तो। अच्छा, साबुन भी साथ में लेके आई? हाँ, सिर्फ खच लिया साबुन। राम नरेश जी, इस गांव में पीने के पानी की समस्या है। हमें बताया गया कि मगरमच्छ बच्चों को उठा ले जाते हैं, जो महिलाएं पानी लेने जाती हैं अपने बच्चों को साथ लेके जाती हैं, महिलाओं को मगरमच्छ हमला कर देते हैं। क्या आपने ऐसा किया जिससे ये पीने के पानी की समस्या सॉल्व हो? पानी की समस्या सॉल्व होने के लिए कई बार कहते थे आप कैसे लोग आए यहाँ, तो पानी की लाते रहे, पानी की कोई समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई। आपने किस किस को अप्रोच, किस किस से आपने निवेदन किया, किस किस से आपने आग्रह किया कि हमारी यहाँ पानी की समस्या है पीने की, उसको सही करो? संसद जी को हमने आवेदन दिए। कौन है सांसद? भागीरथ। अच्छा, भाजपा से जो है? भाजपा से। उनको दिए। उन्होंने क्या बोला? ऐसे आवेदन दे दे लौट के, कोई जवाब नहीं आ रहा है। आवेदन तो देंगे, आवेदन के बाद कोई जवाब नहीं आता है, कोई हेडपम्प कोई लगाई नहीं है, खारी पानी की कई बार दे चुके, वीडियो में निकली आए थे, पत्रकारों में पहुंचेगी। चुनाव में कई ऐसे नज़ारे दिखते हैं जो आपको अचंभे में डाल दें, जैसे शौचालयों का चोरी होना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके के दौरे पर थी हमारी टीम अजीत जोगी का गढ़, और यहां पर पेंड्रा की जनता ने हमें ऐसा ही एक वाकया बताया। मेरा मानना है, मैं इतने साल से यहां रह रहा हूं, और यहां उन ढाई सालों में जब जोगी जी चुनाव लड़े थे उसी समय की सड़कें बनी हुई हैं, और शौचालय का तो कई केस भी हमारे यहाँ के नगर पंचायत में हो चुका है कि पेपरों में शौचालय बन गए हैं, और पेपर भी नहीं, अभी शौचालय तैयार नहीं हुए हैं। आवास भी कई लोगों का पेपर में ही हो गया है, कई लोगों का आवास अभी तक अधूरा ही पड़ा है। शौचालय चोरी भी हो गया था, शौचालय चोरी तो क्या कहा? ये अमरपुर गाँव की घटना है, जो शौचालय बनाना बता दिया गया था, वो शौचालय एक्चुअली बना ही नहीं था, बकायदा उसके थाने में FIR दर्ज होती है कि हमारे यहाँ का शौचालय चोरी हो गया है। ये सब कारनामे भी यहाँ मिला कि नहीं? फिर मिला नहीं, पर नेशनल न्यूज जरूर बन गई थी। आप कभी मध्य प्रदेश के जबलपुर जाएं तो आपके मेजबान आपको बताएंगे भेड़ा घाट घूम कर आइए, माँ नर्मदा, धुआंधार जलप्रपात। लौटते में बहुत मुमकिन है कि आप संगमरमर की बनी कुछ चीजें भी खरीद कर लाए। संगमरमर सबको नजर आता है, इनको तराशने वाले कारीगर बहुत कम लोगों को। ऐसी ही एक बस्ती जो डूब क्षेत्र में बसी है, हम वहां पहुंचे। वहां के लोग इस तरह की आमद से झुंझला जाते हैं, उन्हें लगता है फिर कोई वायदे की लॉलीपॉप थमा दी जाएगी। उन्हें बहुत उम्मीद नहीं है सरकार से, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें साल भर कारीगरी करने के लिए पत्थर मिलता रहे। ये वाला ये बाहर से आता है। के पास, हाँ जी,
बाहर से आता है ये पत्थर। कहाँ से? बाहर मतलब कहाँ, जयपुर तरफ से? नहीं नहीं, ये पास ही गांव से आता है। पास के गांव। हाँ। क्या हिसाब लेते हैं पत्थर? हम लोगों को तो ये मिलता है 15 रुपए किलो। अच्छा। अब वो पता नहीं कितने रुपए का लेके आते हैं बाहर। 15 रुपए किलो वो लेके आते हैं। हाँ। फिर उससे क्या क्या चीजें बनाते हैं आप, जैसे ये घर बना रहे हैं? हो गया, वो गिफ्ट आइटम हो गया, नाम वगैरह लिखने के लिए। गिफ्ट आइटम दिखाना जरा, आशीष उठाओ वहाँ से गिफ्ट आइटम, संभाल के उठाना। ये घर कितने का बना है? ये वैसे तो हम लोग बेचते हैं 20 रुपए का बेचते हैं। 20 रुपए का? हाँ जी, बस मजूरी निकलता है इसमें। लेकिन अगर इस ये बंद हो गया ना तो भेड़ा घाट में समझ लो सब खत्म हो गया, कोई ऐसा व्यापार तो आया कम से कम यहाँ पे। इसको बंद करने की बात चल रही है? मतलब चल नहीं रही है। अब इसका क्या भरोसा, बारिश में बंद हो जाता है, मिलता नहीं है। हाँ। 4 महीने बेरोजगार रहते हैं सब लोग, 4 महीने कोई काम, बारिश के समय में ये बंद हो जाता है निकलना। मतलब कोई इसके अलावा कोई ऐसा बिजनेस तो भेड़ा घाट में, मतलब व्यापार हो जिससे लोगों का घर बार चल सके, कोई और इसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। कोई आप लोगों को ऐसा सस्ता लोन मिल सके, कुछ आप लोगों का सामान ज्यादा अच्छा बिक सके? हैं नहीं, लोन का तो नहीं, मतलब रोजगार चल सके इतना ही बहुत है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लल्लन टॉप के चुनावी शो में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के नक्सली इलाके की सच्चाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दी लल्लन टॉप के चुनावी शो में। हमारी टीम हीरा पहुंची मध्य प्रदेश के बालाघाट इलाके में जो नक्सल प्रभावित है। उन्होंने दौरा किया सोनागुड्डा डाबरी इलाके का। यहां पर 1 करोड़ का अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, खेती नहीं है, पानी नहीं है, एम्बुलेंस 4 घंटे बाद आती है। थोड़ा विकास पहुँचा है और इस विकास के बारे में पूर्व सरपंच का क्या कहना है कि नक्सली नहीं आते तो ये विकास भी नहीं आता। नक्सली अच्छे नहीं हैं, देश के दुश्मन हैं, लेकिन इस इलाके की सच्चाई भी खौफनाक है। मतलब ये है कि हमारी जो गांव है सोनगुड्डा डाबरी, ये गांव की तरफ सरकार नाम चीज़ थी नहीं, कोई अधिकारी भी नहीं आते थे, इसलिए आने जाने का कोई साधन ही नहीं थे। जब नक्सलवादी जो लोग यहाँ आए हैं 1985 में, जब से शासन का नज़र इस ओर आया तो उनका उद्देश्य हुआ सरकार का, जितने सड़कें बनेंगे, पुलिया बनेंगे, उतने नक्सलाइट लोग कमज़ोर होंगे। इस उद्देश्य से काफ़ी सड़कें भी बनी हैं। हाँ, और कुछ जगह में अभी आने जाने का साधन भी, जैसे अभी चल रहे हैं। उस समय में अगर ज़्यादा बीमारी हो गई, जैसे डिलीवरी केस है, तो या फिर जो पैसा वाला है तो प्राइवेट गाड़ी बना के बालाघाट हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और जिसका पैसा नहीं है वो 108 के कहाँ से 108 में फोन लगाते हैं। अगर रात में हो गई तो 108 भी वहाँ आती नहीं रात्रि में। कितने दूर से, कहाँ से आती है 108? ये बालाघाट जिला से आती है, 100 किलोमीटर करीब दूरी से। जब आपके घरों में टेप रिकॉर्डर होते थे तो कैसे टटक जाती थी, और फिर ये मुहावरा बन गया कैसे टटकना। जबलपुर में हमने गारमेंट्स के व्यापारियों से बात की, वो कहते हैं कि हमारे बनाए सलवार सूट जबलपुर ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया में जाते हैं। लेकिन जब इन कारोबारियों से हमने सरकार से जुड़ा सवाल पूछा तो उनकी कैसे टटक गई। मैं जब दिल्ली में बैठ के मध्य प्रदेश का जिक्र सुनता हूँ तो पहला जिक्र जो पिछले 5 साल में बार बार लगातार आया वो है व्यापम घोटाले का। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए साहब, हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, इसलिए हम लोग घर से दुकान और दुकान से घर, हम क्या पम है और क्या व्यापम है ये हम लोग नहीं जानते। मतलब जानते तो चाचा आप सब हैं। नहीं चाचा, क्या है ये चीज में व्यापम, मध्य प्रदेश की पहचान ही व्यापम से होती है। हाँ हाँ, तो ये बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? ऐसा तो नहीं, कतरा नहीं रहे हैं। हम जो है ना वो धार्मिक आदमी है, हम लोग मंदिर जाते हैं, दुकान आते हैं। मध्य प्रदेश की पहचान विकास से भी होती है। शो खत्म करने से पहले एक जरूरी सूचना, लल्लन टॉप की चुनावी कवरेज फॉलो करने के 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, दी लल्लन टॉप शो देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे तेज पर। स्टेप नंबर 2, लल्लन टॉप की एंड्रॉइड ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पर आपको चुनाव के सारे वीडियो और रबते मिल जाएंगी। स्टेप नंबर 3, लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी चुनावी वीडियो आपसे मिस ना हो। स्टेप नंबर 4, लल्लन टॉप के फेसबुक पेज को लाइक करिए। ज्यादातर वीडियो यहीं पर फेसबुक लाइव की शक्ल में अवतरित होते हैं और यहां से आपको टीम की लोकेशंस भी पता चलती रहेंगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों के सब रंग देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना दी लल्लन टॉप शो। शुक्रिया।